इमेजिन करो एक प्लेन अपने डेस्टिनेशन की ओर जाता है जिसमें 50 के ऊपर पैसेंजर सवार होते हैं। सफर के बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण वो प्लेन एक जगह पे क्रैश हो जाता है। हादसे में कई पैसेंजर्स घायल हो जाते हैं और कईयों की मौत हो जाती है। कुछ देर के बाद जख्मी हुए पैसेंजर्स को पता चलता है जिस जगह पे उनका प्लेन क्रैश हुआ है वो एक ऐसी अनजान जगह थी जहाँ एक इन्फेक्शन फैल चुका है और उस पूरी जगह पे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स छाया हुआ है। तो अब वो लोग वहाँ पे कैसे सर्वाइव करते हैं और वहाँ से उस जगह से कैसे निकलते हैं, चलिए देखते हैं। आज का ये एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को कहीं पे स्किप करके मत चले जाना, बिकॉज दिस इज 100 डेज ऑन अ क्रैश प्लेन इन अ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स इन GTA 5। से लौट रहा था लॉस सैंटोस में और पता नहीं भाई हमारे साथ क्या हो गया, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे और हमारा जो प्लेन था ना भाई वो अजीब तरीके से जो बिहेव करने लगे थे। और उसके बाद ये कौन सी जगह है भाई? हाँ भाई कुछ भी पता नहीं चल रहा। और कुछ भाई ये क्या सीन है भाई, बहुत सारे लोग अभी भी प्लेन के अंदर है। ओके तो भाई ये जो बंदा है ना, ये बंदा बोल रहा है कि यहाँ पर जो है हमारा जो पायलट है वो और क्रू मेंबर्स जो भी है ना भाई उनको अभी भी पता नहीं चला वो प्लेन के अंदर है या कहीं पे जो है जब क्रैश हुआ तो छिटक के जो है वो कहीं पे गिर चुके होंगे। और आप अगर देखोगे ना भाई बहुत ही ज्यादा खराब हालत में है भाई हम लोग, बट कभी भी ये ब्लास्ट हो सकता है। और अंदर जो है प्लेन के अंदर हमारे बहुत सारे सामान थे और वो सब कुछ लगभग 90% डिस्ट्रॉय हो चुका है, आग लग चुकी है भाई। और बहुत सारे यहाँ पे पैसेंजर्स भी अंदर फंसे हुए हैं, उनको यहाँ से बाहर निकालना होगा। मैं देखता हूँ आसपास कोई जगह है जहाँ पे हम लोग सेफ रह सके। तो कहानी शुरू होती है आज से करीब 3 महीने पहले, जब फ्रैंकलिन कुछ डील को पाने के लिए दूसरे शहर की ओर रवाना होता है। लौटते समय उनके कुछ प्लेन में टेक्निकल इश्यूज के कारण प्लेन एक ऐसी जगह पे क्रैश हो जाता है जिसके बारे में उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। पहले तो उनको लगा ही था ये लॉस सैंटोस का ही कोई एक जगह है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है जिसे अगर आप भी सुनोगे ना तो आप भी शॉक हो जाओगे। इस हादसे में लगभग सभी लोगों की थोड़ी बहुत चोटें आई थी, लेकिन कुछ कुछ पैसेंजर्स की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनको शायद बचाना असंभव साबित भी हो सकता है, क्योंकि बैंडेजेस मेडिसिन जो भी चीजें थे ना वो सब कुछ जल के राख हो चुका है। अब यहाँ फ्रैंकलिन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। ऑलराइट तो गाइस मैंने इस बंदे से बात तो किया है, ये बंदा बोल रहा है कि यहाँ पर जो ये प्लेन ठीक लगभग नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीजें चाहिए जिसके बाद हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं और इसको जो यहाँ से हम लोग एस्केप कर सकते हैं। हम दोनों ने एक प्लान बनाया है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है छिटक के बाहर तो आ चुके, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं, पैसेंजर्स है जो प्लेन के अंदर अभी भी फंसे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ हम दोनों अगर कोशिश करेंगे तो जितने भी जो बचे हुए हैं ना, बहुत सारे जख्मी हो चुके हैं, बहुत सारे लोग, कुछ लोगों की तो हालत इतनी खराब है शायद बच भी नहीं सकते वो लोग। और हम लोग कहाँ पे ये पहले तो पता करना होगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने जो है प्लान बनाया है, पहले तो हम लोग पैसेंजर्स को यहाँ से दूर जाके लेके चलेंगे, कहीं पहले देख के आते हैं कोई अगर ऐसी जगह है, प्लेन से थोड़ा सा दूर अगर होगा ना तो भी चलेगा भाई। तो पानी वाली जगह पे जो है हम लोग जाके साफ सफाई करते हैं, क्योंकि बैंडेजेस मेडिसिन वगैरह जो भी हमारे पास थे वो तो प्लेन के अंदर था और वो सब डिस्ट्रॉय हो चुका है भाई। तुम एक काम करो, यहाँ पर जितने भी पैसेंजर्स है ना उनको बाहर निकालने में मेरी मदद करो, और उसके बाद हम दोनों जाके आसपास जाके देखेंगे कोई अगर गाँव या शहर अगर हमें देखने को मिले तो हम लोग वहाँ पे जाके थोड़ी सी हेल्प मदद वगैरह जो है हम लोग मांग सकेंगे और उसके बाद यहाँ से निकल सकेंगे। क्योंकि मुझे पता नहीं है भाई ये लॉस सैंटोस के कौन से एरिया के अंदर पड़ता है भाई, आई हैव नो आइडिया। पानी देखते हैं भाई, बैंडेजेस वगैरह तो हमारे पास है भी नहीं। ओके तो पानी तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा। एक काम करता हूँ उस साइड पे जाके देखता हूँ, मेरे को लगा तो था कि यहाँ पर कोई पानी वाला जो है
वो तालाब मैंने देखा था। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास दो काम करना होगा। अभी हम लोग जो है दो बंदे, जितने भी यहाँ पे बंदे हैं ना, उन सबको यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन से दूर लेके आएंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो है पानी है, आई थिंक ये कोई नदी या फिर कोई तालाब वगैरह होंगे। भाई हम लोग क्या किसी आइलैंड के बीचों बीच फंस गए क्या? समंदर के बीच में एक आइलैंड होगा, उसके बाद हम लोग वहाँ पे फंस गया क्या? एक सेकेंड भाई, एक काम करते हैं। सबसे पहले भाई जो भी पैसेंजर्स है ना, उनको यहाँ पे लेके आते हैं, वरना ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। अगर ब्लास्ट हो गया ना भाई, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो पहले जो हम लोग जितने भी यहाँ पे पैसेंजर्स वगैरह जो भी जख्मी हालत में है, उनको यहाँ से प्लेन से थोड़ा सा दूर लेके चलते हैं, और उसके बाद हम लोग जितने भी जख्मी अगर हो ना, तो भाई उसे पानी से ही हमें साफ करना होगा। अदरवाइज हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, जितने भी मरहम पट्टी हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जितने भी मेडिसिन, जितने भी बैंडेजेस हमारे पास थे, वो सब कुछ प्लेन के अंदर था और वो सब जल के राख हो चुका है। भाई कपड़े वगैरह हमारे पास नहीं है, खाना पीना जितने भी है वो बस 1 से 1.5 दिन हम लोग चला पाएंगे। सुनो भाई, मैं ना उस तरफ गया था, तो वहां पर जो है पानी वाला जो है ना वो है, ठीक है, मतलब एक तालाब जैसा मेरे को दिखा। ओके, ये बता रहा है कि कुछ लोग अभी जिंदा नहीं है और कुछ लोग जख्मी हालत में पड़े हैं, मतलब बेहोशी की हालत में है, और कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। किसी की टांग टूट गई है, किसी के दिमाग पे चोट आया है, किसी के हाथ पे लगी है। भाई तो ऐसा ही सीन है भाई। प्लेन से थोड़ी दूर तो वो लोग उन लोगों को लेके आ चुके थे, पर उनको ये नहीं पता चल पा रहा था वो लोग अभी कौन सी जगह पे हैं। बहुत सारे लोगों के भाई, मैं तो चल भी नहीं पा रहा था। वो बंदे ने भाई बहुत मदद करी यार, जो बंदे है ना यहाँ पे, जो भी पैसेंजर्स वगैरह थे, उनको यहाँ से जो है वहां तक लेके जाने में बहुत ही ज्यादा मदद की उसने। और ये देखो भाई, ये लोग अभी साफ सफाई कर रहे हैं। भाई भाई कोई पानी के ज्यादा नजदीक मत चले जाना, वरना जो है कुछ भी हो सकता है। भाई पानी का बहाव जो है वो मेरे को ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि पानी का बहाव ना थोड़ा थोड़ा करके बढ़ भी रहा है, मतलब ऐसा भी सीन है भाई। और बारिश का क्या सीन है यार, कब से देखे जा रहा हूँ। क्या सीन है भाई, मतलब यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा। भाई कौन सी जगह पे हम लोग आ चुके हैं। चलो मैं भी थोड़ा सा साफ सफाई कर लेता हूँ, क्योंकि भाई बहुत काम करा है, और अभी थोड़ा सा मुंह हाथ धो लेता हूँ। ऑलराइट, सो गाइस यहाँ पर जो है सीन ऐसा हुआ, मैं जा रहा था एक जगह पे जहाँ पे डील मैं करने वाला था, और डीलिंग वगैरह होने के बाद यहाँ पे मैं आ रहा था लॉस सैंटोस में, वापस आ रहा था लॉस सैंटोस में। आते आते हमारे प्लेन में कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, प्रॉब्लम हो गए थे, उसके बाद प्लेन में कुछ गड़बड़ी होने के कारण एक ऐसी जगह पे क्रैश हो गया हमारा प्लेन, और वो जगह कहाँ पे है कुछ भी पता नहीं है हमें। सो अभी यहाँ पर हमारे पास तो कुछ भी साधन वगैरह जितने भी हमारे पास थे वो सब कुछ तो डूब गया है, मतलब डूब नहीं गया भाई, पूरा जल के राख हो चुका है। यहाँ पे ना तो नेटवर्क वगैरह मिल रहा है और ना ही इसके जगह के बारे में मेरे को पता है। तो अभी मैं और हमारे जो यहाँ पे जितने भी बंदे हैं, कुछ लोग यहाँ पे रहेंगे, और हम में से कुछ लोग जो है यहाँ से जाएंगे, मतलब जाने के बाद देखूंगा कि आसपास जो है कोई गाँव या कोई बस्ती वगैरह अगर कुछ होगा तो ज्यादा अच्छी वाली बात हो जाएगी। मतलब अगर होगा तो हम लोग जो है लॉस सैंटोस में कॉल करके यहाँ पे हेल्प मांगने के लिए, मतलब बुलाने के लिए हम लोग जो है वो चीज़ करेंगे, समझ रहे हो। और यहाँ पे नेटवर्क वगैरह यहाँ पे ही हम लोग कर सकते थे, हमारे पास फ़ोन तो थे लेकिन वो सब खराब हो चुके थे भाई। और इस लड़की के पास अगर फ़ोन है भी तो भाई कुछ भी काम नहीं बन रहा यहाँ पे, समझ रहे हो भाई, नेटवर्क ही नहीं है, जिसके दौरान जो हम लोग जो है कोई कॉल वगैरह कर भी नहीं पा रहे हैं। ये जो बंदा है ना, इसका नाम है सैम। ये जो सैम ये कह रहा है कि ये जो है ये प्लेन का जो है ना वो ठीक वगैरह करता है, रिपेयर वगैरह करता है, तो इसको पता है, थोड़ा बहुत नॉलेज इसको तो है, बट ये कह रहा है कि थोड़े बहुत सामान वगैरह भी चाहिए जिसके तहत जो हम लोग प्लेन को ठीक तो कर सकते हैं, पर ये उड़ पाएगा या नहीं वो तो इसको भी पता नहीं है। अभी उस साधन वगैरह वो कहाँ पे मिलेगा भाई, एक तो भाई खाना पीना भी हमारे पास है नहीं, तो भाई यही सीन है यहाँ पर। अभी पता नहीं, आई हैव नो आइडिया भाई आगे चल के हम लोग क्या ही करेंगे। ऐसे वो लोग समझ तो नहीं पा रहे थे, इसलिए वो लोग ऐसे ही एक प्लान बनाया। उनका प्लान ये था कि आसपास कोई गांव या शहर अगर होते हैं तो वो लोग अपने अपने घर वापस जा पाएंगे कॉन्टेक्ट करने के बाद। इस उम्मीद में कुछ लोग आसपास के इलाकों पे जाने का फैसला करते हैं, और कुछ लोग उसी जगह पे रहेंगे घायल हुए पैसेंजर्स के पास, ताकि वो लोग देखभाल भी कर सके। ओके, तो गाइस हमने बहुत देर से यहाँ पे जो है साफ सफाई की, खाना पीना करे, और उसके बाद हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हम लोग कुछ बंदे जो है यहाँ से हम लोग जाएंगे और देखेंगे शहर या गाँव अगर हमें मिलता है तो हम लोग वहाँ से जो है हेल्प वगैरह मांगेंगे। फिलहाल के लिए तो हमारे पास यही प्लान है, इसके अलावा हमारे पास और कोई प्लान नहीं है। हाँ, एक और प्लान है कि हम लोग अगर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हमें जो है कुछ चीजें चाहिए, जिसके बाद जो हमारा जो ये वाला बंदा है ना, हमारा जो एयरप्लेन है उसको ठीक कर पाएगा। तो उसको ठीक करने के लिए हमें कुछ साधन वगैरह, मटेरियल्स वगैरह, रिसोर्सेज वगैरह जो है हमें चाहिए। रात होने से पहले हमें जो यहाँ पे आना होगा, अदरवाइज हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग
रास्ता भी भटक सकते हैं, समझ रहे हो? ये नई जगह है, नया प्लेस है, आई हैव नो आइडिया भाई यहाँ पे कौन सी किस तरफ जो हम लोग कहाँ पे जाएंगे। ऑलराइट, तो गाइस हम लोग जो चार लोग जा रहे हैं, ठीक है, और बाकी जो यहाँ, अरे भाई ये पता नहीं कब से जो यहाँ पे हाथ मुंह धो रहा है भाई, इतना धूल क्यों लग गया तेरे अंदर। ओके, तो गाइस हम लोग जो है चार बंदे जो है यहाँ से निकल रहे हैं, और बाकी जितने भी यहाँ पे लोग है ना वो उनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहली बात देखो सुनो, हम लोग जा तो रहे हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है, ये जगह नहीं है तो कुछ भी सीन हो सकता है, अगर कुछ होता है तो सब साथ में रहना, ओके, अदरवाइज मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, हमारे पास कोई औजार वगैरह कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ तो मैंने सुना था आवाज, हम लोग क्या जंगल में आ गए भाई? जगह देखो कितना ऑसम है भाई, जगह देखो। ओके भाई एक सेकेंड भाई, यहाँ पे एक ब्रिज है, पर ऊपर जाऊं कैसे? आ जाओ, पीछे पीछे रहना, ठीक है, पीछे पीछे रहना, और सुबह होते के साथ ही हमें जो यहाँ पे मतलब रात होने से पहले हमें यहाँ पे वापस आना होगा, तो देख देख के जो है, अरे यार यहाँ पे तो चट्टान है, ऊपर तो चढ़ भी नहीं पाऊंगा आई थिंक। इस तरफ आ जाओ, जगह बहुत मस्त है यार, बहुत ही ज्यादा मस्त। ओके, तो इस तरफ जो है एक रास्ता जा रहा है, तो हम लोग जो उस तरफ से, ओके तो उस तरफ से आए हैं, तो ये यहाँ पे एक ब्रिज है, तो हो सकता है गाड़ी वगैरह अगर मिल जाए ना तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा भाई। ओके गाइस मिल गया, गाड़ी नहीं है भाई साहब, क्या नजारा है भाई। एक बार जगह के बारे, जगह को देखो यार कितना औसम है। पीछे कुछ मिला क्या तुम लोगों को? कुछ भी नहीं मिला बोल रहे भाई, चलो ठीक है कोई टेंशन नहीं, हम लोग जाके देखते हैं। इस तरफ भी एक रास्ता जा रहा है और इस तरफ भी एक रास्ता जा रहा है भाई, कौन सी तरफ से हम लोग जाए हैं? चलो इस तरफ ही जाके देखते हैं भाई, आसपास कुछ भी नहीं है यार, चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़ है। चलो यहाँ पे कुछ देखता हूँ, अगर यहाँ पे कुछ मिलता है तो। ओके गाड़ी तो है भाई, अरे यार शिट, अरे गाड़ी लॉक क्यों है? लो भाई अब ये बताओ, गाड़ी ओपन ही नहीं हो रहा यार। चलो एक काम करते है, इसको तोड़ देता हूँ। ऑल राइट, तो गाइस भाई पता नहीं यार हमारी टीम में को, ओ भाई ये स्टार्ट भी हो गया यार, फ्यूल थोड़ा सा कम है यार, फ्यूल बहुत कम है। चलो जितनी दूर जाते हैं भाई देख के आएंगे, अगर पेट्रोल पंप अगर होगा तो ठीक है, अदरवाइज भाई कुछ भी नहीं कर सकते। चलो एटलीस्ट हमें गाड़ी मिल गई, तो मतलब जो यहाँ पर कोई गाँव वगैरह होगा, मैं ज्यादा दूर जाने नहीं वाला भाई, क्योंकि एक तो यार फ्यूल बहुत ही ज्यादा कम है, और मैं नहीं चाहता कि ज्यादा दूर अगर चला जाऊँ ना, अगर हमें फ्यूल वगैरह कोई पेट्रोल पंप अगर ना मिले तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार, और ऊपर से नई जगह है भाई, एक भी मेरे को कोई गांव या कोई वो चीज नहीं दिखा यार मेरे को। तो अब फ्रैंकलिन को समझ में तो आ चुका है, जैसे कि गाड़ी है तो मतलब यहाँ पे लोग भी हो। घर 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 मिला, घर मिला किसी का, कोई होगा क्या? अबे यार ये तो हेडफोन लगा के, इसीलिए मैं सोचू के इसको मैं कितनी बार आवाज लगा रहा हूँ, पर ये तो भैया कुछ अजीब है यार, मैं बहुत देर से इसको आवाज लगा रहा हूँ, बट ये तभी मैं सोचू ये आवाज दे, मतलब उसका रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा। एक सेकंड, एक काम करते हैं यहाँ पर देखते हैं, आई थिंक ये कोई डॉग साइट है, तो एक काम करते हैं कुछ अगर रिसोर्सेस वगैरह मिल जाए ना, रिसोर्सेस वगैरह देखते हैं भाई, खाना पीना तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ होगा। ऑलराइट, तो पूरी जगह पे गाइस हमने छानबीन कर लिया है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला ज्यादा। मैंने सोचा ओ एक सेकेंड, यहाँ पे बोट वगैरह बनाया जाता है क्या, तो कोई चीजें वगैरह यहाँ से मिलेंगे? ओ वेस्ट मिला यार, वेस्ट मिला भाई, क्या बात है, यहाँ पे आने का अलग ही सीन हो गया भाई। बाद में हम लोग आएंगे ठीक है, कभी अगर जरूरत पड़ी ना, तो ये ज्यादा दूर नहीं है और रात भी होने वाली है भाई, शाम हो चुकी है। अरे ये लोग कहाँ चले गए? हेलो, अबे ये देखो क्या कर रहे हो यार, आ जाओ, रात होने वाली है, चलो वापस चलते हैं भाई। यहाँ पे सारी चीजों को देख लिया, बस यहाँ पे थोड़े कचरा वगैरह के अलावा जो है कुछ ज्यादा है भी नहीं, तो थोड़ा सा और उस तरफ को जाके देखता हूँ, अगर कुछ मिलता है तो ठीक, वरना जो है वापस आ जाएंगे। ओ मतलब कि यहाँ पे कोई घर वगैरह है थोड़े बहुत, ये देखो मतलब कि हम लोग एक अजीब से जगह पे क्रैश हुए थे भाई। कौन सा रास्ता था भाई, वो यही था ना वापस जाने का? एक सेकंड, सिटी के अंदर यहाँ पे वो भाई खाने पीने की रिसोर्सेज वगैरह मिल गए, लेकिन ये कितने पुराना होगा वो तो मुझे भी नहीं पता। चलो फटाफट से ना यहाँ पे जो है, अरे ये तो खराब हो चुके हैं यार। एक सेकंड, प्लेन की आवाज आ रही है ना, उस तरफ से आ रही है ना, तो चलो अरे बैठना भाई जल्दी। उस तरफ मेरे को जो है प्लेन की आवाज आई, तो हम लोग जो है उसी तरफ चलते हैं ठीक है।
भाई हम लोग काफी दूर आ गए भाई, शाम हो गई, हम लोग वापस लौटे भाई। उन लोगों ने बहुत सी जगह को एक्सप्लोर किया, अच्छे खासे घर भी मौजूद थे, लेकिन वहाँ उनको एक भी बंदा नहीं मिला। अब शाम भी हो रही थी, वो लोग काफी दूर आ गए थे और गाड़ी में ज्यादा, मैंने बोला ना गाड़ी में ज्यादा फ्यूल भी नहीं था, तो इसीलिए वो लोग लौट रहे थे। और जैसे ही वो लोग लौट रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों को रास्ते में इधर उधर जाते हुए देखा, तो इसलिए फ्रैंकलिन गाड़ी से उतरता है और उसके साथ साथ बाकी सारे जो भी पैसेंजर्स थे उनके साथ वो भी उतरते, उनसे पूछताछ करने लगता है। लेकिन उसके बाद फ्रैंकलिन को कुछ ऐसा पता चलता है जिसके लिए वो प्रिपेयर नहीं था। मदद मांगने की उम्मीद में वो लोग उन लोगों के पास जाने लगते हैं, पर जैसे ही वो लोग उनकी तरफ जाने लगते हैं तो उन्होंने देखा कि वो लोग अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे, इसलिए वो लोग चिल्ला चिल्ला के उनको आवाज लगाने की कोशिश भी कर रहे थे। और उसके बाद पूरी वाक्य को फ्रैंकलिन समझ चुका था, इस जगह पे कुछ तो अलग है। और जैसे ही फ्रैंकलिन ने बोला कि भागो, इसके बाद सब लोग इतने डर गए कि गाड़ी की ओर भागने लगते हैं, लेकिन वो लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते। जैसे तैसे वो लोग गाड़ी में बैठे और गाड़ी को जितनी जल्दी हो सके वहां से और जितनी तेजी के साथ हो सके वहां से वो लोग उस जगह पे लौट रहे थे जहां पे उनका प्लेन क्रैश। गाड़ी में फ्यूल भी बहुत कम है यार, और गाड़ी क्यों चल क्यों नहीं रहा यार। रात होने के साथ साथ इतने सारे वहाँ पे लोग आ रहे थे कि फ्रैंकलिन भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गाड़ी यहाँ पे आके कितनी बड़ी गलती कर दी थी। तो गाड़ी को क्या हो गया भाई, चल नहीं रहा यार, बारिश इतनी गिर रही थी कि गाड़ी को भी फ्रैंकलिन कंट्रोल में नहीं कर पा रहा क्योंकि इधर उधर स्लाइड कर रहा था। निकालो जल्दी निकालो भाई चारों तरफ से, ओ माय गॉड। अरे आग लगी इस पे, अरे गाड़ी चढ़ नहीं रहा यार, निकलो। अरे नो प्लीज, भागने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते रहे थे, लेकिन एक एक करके सभी लोग वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे इस जगह पे कोई वो लोग क्यों नहीं है, बहुत गलत हो गया भाई, बहुत गलत। ओ भाई क्या सीन है भाई, कितने ज़ॉम्बीज़ है भाई, अरे भाग, ओ शिट यार, ओ ये बंदा मार, नो यार नो भाई, वो बंदा किधर चला गया यार, अब अरे भाग, किधर भाग भाई, भाग यहाँ से, अरे यार सीन हो गया भाई, तेरी भैंस की, निकल यहाँ से, निकलो। अरे यार वो बंदा भी ज़ॉम्बी बन गया यार, कितने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं भाई, अरे मैंने क्या बिगाड़ा है भाई। फ्रैंकलिन कुछ भी नहीं सोच पा रहा था कि उन्होंने यहाँ पे आके क्या बड़ी गलती करी, बस वो यही सोच रहा था रात ऐसे हो गए तो यहाँ पे ज़ॉम्बीज निकल सकते हैं तो वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज निकल सकते हैं जहाँ पे उनका प्लेन क्रैश हुआ पड़ा। इस चक्कर में वो बस पैदल ही भागता गया उस वाली जगह पे जाने की कोशिश करता रहा। अरे लोग, अरे भाई निकल, तेरी फ्रैंकलिन यहाँ से निकल भाई, कहाँ से निकलूं, कैसे निकलूं भाई, चारों तरफ तो ये लोग, कोई औजार वगैरह भी तो नहीं लाया यार, फ्रेंडली सर्वाइवर, वो यहाँ पे सर्वाइवर्स भी है भाई, कहाँ है, चलो उस तरफ चलते भाई, देखते भाई, शिट यार, नो भाई, कि भाई जो लोग आए थे ना वो सब ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं भाई, मैं जितना दूर हो सके ना मैं जाऊंगा भाई, भागते हुए भी जाऊंगा, एक सेकंड। वापस वो लौट ही रहा था कि उसी वाले स्पॉट पे उसने कुछ बंदों को गोली चलाते हुए, ओ भाई अब आजा, ओ शिट, नो, सॉरी, मुझे लगा ये ज़ॉम्बी है। ओके, तो गाइस भाई ये गन मिली है भाई, क्या यार, एक बंदूक मिला था जो भाई, अरे यार इन लोगों को भी
मार दिया। ये सोच रहा था कि भाई वो लोग मदद करेंगे, लेकिन ज़ॉम्बीज इतने खतरनाक हो गए थे वहाँ पे कि उन लोगों ने भी उनको मार दिया। थोड़े बहुत गन्स मिले थे तो उसने उनको उठा लिया और सीधा सारे के सारे ज़ॉम्बीज को लेके वो इधर उधर भागने लगता है, ताकि वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पीछे भागते रहे, क्योंकि सामने ही था वो वाला स्पॉट जहाँ पे और भी कई सारे मासूम लोग भी थे। तो फ्रैंकलिन नहीं चाह रहा था कि वो सारे ज़ॉम्बीज भी उनके पास चले जाए और उनको भी ज़ॉम्बीज में तब्दील। इन लोगों के पास भी गाड़ी नहीं है यार। ओके, एक और गाड़ी आ रही है भाई, एक सेकंड भाई, इस तरफ कोई गाड़ी लेके आ रहा है भाई। चलो 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 चलो, गाड़ी लेके आ रहा है भाई। अरे रुको भाई, गाड़ी लेके कोई तो जा रहे है भाई वहां पे। ओके, अरे नो भाई, अरे कब तो गोली क्यों मार रहे है भाई, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूं। अरे मुझे फाइट भी नहीं किया, मैं हेल्प करो यार, फंस गया हूँ यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं यार। इन लोगों ने गाड़ी लेके आया भाई, मैं छलांग मार दिया भाई। ओके, पहले एक काम करते हैं, फिर दिन ऐसे ही सर्वाइव करते करते फ्रैंकलिन इस जगह के बारे में तो इतना पता चल चुका था कि ये लॉस सैंटोस भले ही दिखने में है, पर ये लॉस सैंटोस एग्जैक्ट लॉस सैंटोस नहीं है। जिस जगह को हम लोग लॉस सैंटोस समझ रहे थे ना, ये एक्चुअली लॉस सैंटोस है और एक्चुअली लॉस सैंटोस नहीं भी है। मैं समझाता हूँ आपको, ये एक्चुअली दिखने में तो आपको लॉस सैंटोस जैसा ही लगेगा, लेकिन मैं माइकल के घर पे गया था, ट्रेवर के कंटेनर पे गया था, और उसके बाद मैं अपने घर पे भी गया था, लेकिन वहां पर मेरे को कुछ भी देखने को नहीं मिला भाई। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे कि हम लोग कहीं पे फंस गए हैं टाइम के लूप में, ऐसा भी हो सकता है या कुछ तो सीन है जिससे मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। कुछ महीने पहले हम लोग यहाँ से गए थे, अरे कुछ महीने पहले यहाँ से मैं गया था कुछ डील करने के लिए, माइकल से पैसे लिए, वापस जब आया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सीन हो चुका था। तो खैर अभी कुछ टाइम से मैं यहाँ पे भटक रहा था, तो यहाँ पे कुछ मेरे को ड्रेसेस वगैरह मिल गए और कुछ खाना पीना भी मेरे को मिल चुके हैं। मेरे को इतना तो पता चल चुका है यहाँ पे इस जगह पे सिर्फ हम ही अकेले लोग नहीं है, मतलब ज़ॉम्बीज तो है ही और उसके अलावा भी यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग है, मतलब यहाँ पे सर्वाइवर्स भी है। तब मेरे पास तो कोई गन्स वगैरह थे भी नहीं, और आसपास जानते जाते जो है मेरे को उनके भी गन्स मैंने उठाया, तो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास कुछ बंदूकें वगैरह है। तो फिलहाल के लिए मैं काम करता हूँ, जितने भी यहाँ पे खाना पीना है ना वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। और राइट, तो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत खाना पीना तो ले लिया है भाई, मुझे भी नहीं पता कितने टाइम से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, आई हैव नो आइडिया भाई, 20-30 दिन तो हो ही जाएंगे। मैंने कुछ मेडिसिन वगैरह भी एक फार्मेसी पे गया था, तो वहाँ पे पूरा का पूरा तहस नहस हो चुका था, बट थोड़े बहुत चीजें मैंने ले लिया है। और मैं एक मिलिट्री बेस पे भी गया था, तो वहाँ पे मैं थोड़े से पार्ट्स लेके मैंने एक गाड़ी को भी रिपेयर करा। अभी आपको दिखाता हूँ वो गाड़ी कौन सी है, पहले इनको यहाँ से हटाते हैं क्योंकि यहाँ से मेरे को निकलना है। यहाँ पे तो मैंने क्लियर कर दिया है, कभी भी यहाँ पे बारिश हो जा रही है यार। और ये देखो, ये वो गाड़ी है जिसको मैंने रिपेयर कराया भाई। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो है कुछ फ्यूल वगैरह भी, कुछ टाइम पहले मैं वहां से आया था, तो मैंने 2 जैरिकिन भर के जो है मैंने फ्यूल ले लिया है। तो अभी मैं जाने वाला हूँ कुछ सर्वाइवर्स के पास, तो यहाँ पे कुछ सर्वाइवर्स को मैं ढूंढता हूँ, अगर मेरे को मिलते हैं तो। इस जगह पे वो इतने दिन सर्वाइव कर लिया था उसने, उसको ये तो समझ में आ चुका था इस जगह के बारे में थोड़े बहुत जानकारी, तो उसको मिल भी गया। ओके, सामने ही कुछ सर्वाइवर्स है, चलो उनकी मदद करता हूँ। फ्रैंकलिन का आखिरी काम ये है, यहाँ पे जो सर्वाइव कर रहे हैं ना उनको तलाश करें, अगर वो लोग मदद करना चाहे तो उनके बेस पे जाएगा और फिर वो वापस जाएगा उस वाले स्पॉट पे जहाँ पे उनका प्लेन क्रैश हुआ था। वहाँ से जो लोग जख्मी हालत में पड़े हुए थे वहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा और वहाँ पे उनका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा अगर हो सके तो। इसी उम्मीद में वो आस पास जगह पे जाके ये सर्वाइवर्स को ढूंढने की कोशिश करता है। पहले उनके पास चलते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, देखो देखो देखो, अभी ये लोग हेल्प करेंगे भाई। अबे गाड़ी गाड़ी पे नहीं, गाड़ी पे नहीं, गाड़ी पे नहीं, सामने रहो सामने रहो। ये
किधर से आ रहे हैं? वे किधर से? ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कि हमारा जो है यहाँ पे प्लेन क्रैश हो चुका है, तो इसीलिए क्या आप हमारी मदद कर पाओगे? तो ये लोग बोल रहे कि मदद तो हम लोग कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें जो है अपने अड्डे पे जाना होगा, तभी जाके कुछ हम लोग कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम लोग इन्हीं के अड्डे पे जा रहे हैं। अब फ्रैंकलिन की एक छोटी सी गलती की वजह से पहले तो कुछ सर्वाइवर्स की मौत हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद वो रुका नहीं और भी कई सारे सर्वाइवर्स को ढूंढने की कोशिश करता है और मिल भी जाते हैं। उनको बचाने के बाद फ्रैंकलिन उनसे बात करके उनकी जगह पे जाने की कोशिश करता है जो उनका बेस। ऑलराइट, तो गाइस यहां पे सीन क्या है, ये लोग भी उन्हीं के बंदे हैं, ठीक है, मतलब इनका एक गैंग है जो यहाँ की रक्षा कर रहे हैं, सम काइंड ऑफ रक्षा नहीं कर रहे हैं, वैसे ये लोग सर्वाइव ही कर रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ इनके अड्डे पे ताकि मेरे को थोड़ी सी मदद मिल सके। एक तो यार ये गाड़ी जो है इतना बेकार है ना भाई, आई नो ये बुलेट प्रूफ है, टूटेगा नहीं भाई, बट बहुत ही फालतू तरीके से ये चल रहा है यार। ऑलराइट, तो गाइस मैंने इनसे पूरी बात मैंने शेयर कर दी है, से उनको भी बताया था ना, सेम चीज मैंने इनको भी बता दिया, लेकिन एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि जैसे ही मैंने यहाँ पे इनको ये बताया कि जैसे मतलब हमारा जो प्लेन है वो क्रैश हो गया है, तो इन लोगों को शॉक नहीं हुआ, उल्टा ये लोग जो कह रहे हैं ना भाई, मैं शॉक हो गया हूँ। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आए दिन यहाँ पे जो ना प्लेन क्रैश होता रहता है, जैसा हंटर्स ने बोला था वैसा इन लोगों ने भी बोला। ये जगह सिर्फ ज़ॉम्बी से खतरा नहीं है, यहाँ कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो इल्लीगल धंधा करते हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई प्लेन क्रैश हुआ है, यहाँ आए दिन ऐसा होता ही रहता है। अगर आप इस जगह पे आसपास जाके देखोगे ना, तो आपको प्लेन के ग्रेवयार्ड देखने को मिलेंगे, नजारे यहाँ पे कितने सारे अनगिनत प्लेन यहाँ पे जो है आए दिन यहाँ पे क्रैश होते रहते हैं, और सुनने मिलता है कि जो एक बार इस जगह पे कदम रख दे वो यहाँ से फिर कभी वापस नहीं। इसके बाद फ्रैंकलिन सोच ही रहा था उन लोगों को जगह पे जाएंगे और उनको रेस्क्यू करके अपने बेस पे लेके आएंगे, और ये बात सोच ही रहा था कि तभी फ्रैंकलिन को थोड़ा सा ऑड लगा, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर गाड़ी को वो लोग लेके आने के लिए बोला था, और फ्रैंकलिन ने जैसा जैसा उन लोगों ने कहा फ्रैंकलिन भी वही करता गया। ये कह के जो है ये गाड़ी को पूरा यहाँ तक लेके आ गया यार, कहाँ है तुम्हारा? जैसे ही चोटी पे आए ना, तो वो लोग ऐसे कुछ करने लगते हैं स्टीयरिंग व्हील को हाथ में पकड़ के, ऐसा कुछ सीन कि फ्रैंकलिन की जो गाड़ी थी ना वो सीधा ऊपर से सीधा खाई पे जाके गिरी।